एक तालाब में एक मगर रहता था। जब कोई जानवर तालाब में पानी पीने आता तो मगर उसे पकड़कर पानी में खींच ले जाता। बहुत दिन बीत गए, किसी को पता न चला कि तालाब में एक मगर रहता है। एक दिन लोमड़ी और गिद्ध साथ साथ तालाब में पानी पीने गए। मगर ने देखा लोमड़ी तो बहुत छोटी है, उससे पेट नहीं भरेगा। वह गिद्ध की टांग पकड़कर उसे पानी में खींच ले गया। लोमड़ी उछलकर भागी। भागकर वह जंगल में पहुंची। जंगल के सारे जानवरों को बुलाकर चिल्लाने लगी, उस तालाब में कोई पानी पीने मत जाना, उसमें एक मगर छिपा रहता है। आज मैंने अपनी आँखों से देखा, गीदड़ बेचारा मारा गया। लोमड़ी की बात सुनकर सभी जानवरों ने उस तालाब का पानी पीना छोड़ दिया, मगर अब भूखा ही रहने लगा। कुछ दिन वह पानी पीकर ही जिंदा रहा, परंतु थोड़े दिनों बाद तालाब का पानी भी सूख गया। अब तो मगर बहुत घबराया। वह तालाब के पास से जाते हुए जानवरों से कहता, इस तालाब का पानी सूख गया है, मुझे किसी दूसरे तालाब में पहुंचा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं कई दिनों से भूखा हूं। लेकिन मगर की बात कोई नहीं सुनता था। एक दिन तालाब के पास से एक किसान जा रहा था। मगर ने आवाज़ लगाकर कहा, किसान भाई, इस तालाब का पानी सूख गया है, मुझे किसी दूसरे तालाब में पहुँचा दो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। किसान को दया आ गई, बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बड़े तालाब में छोड़ दूंगा। किसान के पीछे पीछे मगर एक बहुत बड़े तालाब पर गया, जिसका पानी कभी नहीं सूखता था। परंतु किसान जब वापस जाने लगा तो मगर ने उसकी टांग पकड़ ली। किसान ने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मगर ने कहा, अब तो मैं तुमको ही खाऊंगा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। किसान ने कहा, मैंने तो तुम्हें मरने से बचाया, उल्टा तुम मुझे ही खाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर ने कहा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो तुम्हें ही खाऊंगा। इसी समय लोमड़ी उधर आती दिखाई दी। किसान ने कहा, वह देखो लोमड़ी आ रही है, उससे पूछ लो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लोमड़ी ने पास आकर कहा, क्या बात है किसान भाई? किसान ने बताया, मैंने मगर की जान बचाई है, अब ये उल्टा मुझे ही खाना चाहता है, तुम ही बताओ क्या यह ठीक है? लोमड़ी बोली, पहले तुम दोनों चलकर वह तालाब दिखाओ, तब मैं बताऊंगी। किसान ने कहा चलो, मगर ने भी कहा चलो। उस तालाब पर पहुंचकर किसान ने बताया, यही सूखा तालाब है जिसमें मगर तड़प कर मर रहा था। लोमड़ी ने मगर से पूछा, क्यों मगर, क्या यह वही तालाब है? मगर ने कहा, हाँ यह वही तालाब है जिसमें मैं पहले रहता था। लोमड़ी ने कहा, अब तुम इसी तालाब में रहो, थोड़ी देर में किसान के लड़के आएंगे, वे तुम्हें बड़े तालाब में छोड़ जाएंगे। यह कहकर लोमड़ी जंगल में भाग गई और किसान ने अपने लड़कों को बुलाकर मगर को जान से मरवा दिया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।